नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए नई वीडियो होज बॉक्स के बारे में। होज बॉक्स में दो होज पाइप होते हैं और एक ब्रांच पाइप होती है। होज पाइप की लंबाई 15-15 मीटर होती है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे गिलास लगे हुए हैं बाहर को। गिलास हम इसलिए लगवाते हैं ताकि इमरजेंसी में चाबी नहीं है तो हम गिलास को तोड़ के होज पाइप निकाल के ब्रांच पाइप और फायर फाइटिंग कर सकें। दोस्तों, जैसा कि हम बता दें आपको, इसमें एक मेल कपलिंग होती है, एक फीमेल कपलिंग होती है और इसके साथ में एक ब्रांच पाइप भी होती है 63 mm डाया की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाइडेंट की। फायर में हाइडेंट की बात करते हैं। हाइडेंट में देखिए एक ब्लैंक कपलिंग होती है, इसको पीवीसी ब्लैंक कपलिंग बोलते हैं। ये होती है बंद, ये इसलिए होती है ताकि अंदर कोई जानवर ना जाए। जानवर मतलब आपका छिपकली बैठ जाती है, गुबड़ी बना लेती है मिट्टी के। और यहाँ पे एक ये लक्स का होता है जिससे फंसता है होज पाइप, ये ना रस्टेड हो जाए, ये काम आता है। इसके अलावा हम इसको मेंटेन के लिए देखो, नीचे एक बटरफ्लाई बाल दिया हुआ है 80 mm का। इसका काम होता है अगर आपका ऊपर मेंटेनेंस करना है, इसकी गैसकेट कट गई हो तो हम मेंटेनेंस कर सकते हैं। इसको हम बंद करके इसको खोल सकते हैं। अभी आपको हम खोल के भी दिखाएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसका गैसकेट कटा हुआ है। नीचे से थोड़ा सा वाल खोला और इसमें पानी निकलना स्टार्ट हो गया। ये देखो सारा पूरा, जबकि क्लोज होने के बावजूद भी पानी निकल रहा है। दोस्तों, इसकी मेंटेनेंस के लिए इसके अंदर एक वाल होती है, वो कटी हुई है। वो अभी आपको खोल के हम दिखाते हैं किस टाइप से होती है। दो टाइप से खुलता है। देखो, एक तो हम यहाँ पाइप लगा के इसको खोल सकते हैं और दूसरा ये जो नट बोल्ट देख रहे हैं ना आप लोग, इससे भी हम खोल के गैसकेट चेंज कर सकते हैं। देखो, ये इस टाइप से खुलता है। इसको खोल लिया और आराम आराम से इसको बाहर निकाल लिया। इसकी जो रबर वाशर ये होती है कट जाती है, हमें कभी भी टाइट करते हैं ना तो इस साइड से कट जाती है। इसके कारण जो हमारा नीचे से पानी निकलता है ना, इस वाशर से कटने के कारण लीकेज होता है। इसको अभी हम खोल के आपको दिखाएँगे किस टाइप से वाशर चेंज होती है। इसको हमने अपने एक चाबी से इसको खोलना है। ये नट खोलने के बाद में एक इसमें पीवीसी का वासल निकलेगा, उसको हमें चेंज करना होता है। देखिए, अब ये वासल को हम इस टाइप से आराम से बाहर निकाल सकते हैं और दूसरी इसकी जगह पे दूसरी वासल रिप्लेस कर देंगे। ये जो आपको लीकेज था वो इसके कारण था, ये कटी हुई है यहाँ से। और ये देखिए, ये रिप्लेस कर दी हमने, हल्का सा ग्रीस लगाया इसमें और इसको अंदर डाल दी। और इसके साथ साथ इसका नट लगा के इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद दोस्तों इसको लगा देंगे। अभी हम आपको चेक करके दिखाएंगे इसका लीकेज बंद हो गया होगा। लीकेज होने, कभी भी कोई भी हाइड्रेंट लीकेज होता है उसका होने का एक ही रीज़न होता है, ये जो हमारी रबर सीट है ना कट जाती है। डैमेज होने के बाद में लीकेज स्टार्ट हो जाती है और जब तक आप इस सीट को दूसरी चेंज नहीं करेंगे लीकेज कंटिन्यू होता रहेगा। इस लीकेज को बंद करने के लिए यह रबर सीट को लगाना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, मैं बता दूं इसके अंदर क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं। देखिए, ऊपर ये आपका एक व्हील लगा हुआ है, इसको बोलते हैं व्हील। व्हील के बाद इसके अंदर एक ये आप देख पा रहे होंगे, ये सॉफ्ट सी है, इसको बोलते हैं स्प्लेंडर रॉड। इसके ऊपर एक चकनट है, ये चकनट ऊपर एक ग्लैंड पैकिंग भरी हुई है ताकि पानी पीछे ना वापसी ना मारे प्रेशर से। इसके ऊपर एक चकनट और है जो कि हमारा इस हाइडेंट में कनेक्ट होता है चूड़ियों के साथ में। इस टाइप से हम अंदर डालेंगे। ये देखो दोस्तों, चूड़ियाँ हैं। इसको हम फिर आराम आराम से चढ़ाएँगे राइट साइड के लिए। अब देखो, इसका लीकेज बंद हो गया है, एक भी बूंद ड्रॉप नहीं कर रहा है। हमने इसका वाशर चेंज कर दिया और ये ठीक हो गया। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हम अगली वीडियो साथ फिर मिलेंगे।